الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर अपने घर में जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। ये रब का एहसान ही है। अल्लाह ने हम पर इतने एहसानात फरमाए हैं, इतने एहसानात फरमाए हैं कि हम उसके एक एहसान का भी बदला नहीं चुका सकते, शुक्र अदा नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी बगैर खाए पिए सोए बैठकर सिर्फ रब का शुक्र अदा करने के लिए हम यही कहते रहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, पूरी ज़िंदगी इसमें गुजार दें तब भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें ऐसी नेमतों से नवाजा है कि हमने कभी भी तसव्वुर नहीं किया, कभी मांगा नहीं रब से, कभी इल्तिजा नहीं की, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें बिन मांगे अता फरमाई हैं। बेशुमार नेमतें हैं, आँख है, हमारे कान है, हमारी जबान है, हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हमारी टांगे हैं, जिस्म का एक एक रुना, सांस का एक एक हिस्सा, और दुनिया, ज़मीन, आसमान, चांद, सितारे, सूरज, ये सारा का सारा अल्लाह की नेमतें हैं। हमने नहीं मांगी थी लेकिन अल्लाह ने बिन मांगे सारा कुछ दिया। हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, और शुक्र करने से रब यही फरमाता है कि मैं मज़ीद इजाफा कर दूँगा। हम शुक्र की तरफ भी नहीं आते। एक अलग टॉपिक है, एक अलग बहस है, कभी इस पर भी इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा कि शुक्र करने से अल्लाह पाक इतना खुश होता है, मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला देता है। और कुरान का फैसला है, अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं मज़ीद दूंगा। तो अल्लाह का कहना हजार लाख बल्कि करोड़ फीसद दुरुस्त है, सच्चा है, पक्का है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें कजी नहीं है, किसी तरह की कोई खामी कमी नहीं है। रब ने जो कह दिया वो हमें अपने घर में बिठा देता है, वरना और भी बहुत है जो दुनिया के अंदर है, उनको खाना भी दिया, उनको दौलत भी दी, उनको दुनिया भी दी, उनको हुस्न भी दिया, उनको जवान भी दिया, उनको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन सजदे की तौफीक नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो एक उसकी सूरत ये भी आती है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे सजदों की लज्जत और सजदे में सर झुकाने की तौफीक को खत्म कर देता है। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। हर मकाम पे खाना खा लिया शुक्र अदा करें, पानी पी लिया शुक्र अदा करें, कुछ मिल जाए तब भी शुक्र अदा करें। तो शुक्र शुक्र और शुक्र ही करते रहें। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर सहाबा से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुम मोमिन हो, हालांकि बात देखें सब सरकार तो सब जानते हैं, और अपने साथी से ये पूछना कि तुम मोमिन हो, अर्ज की जी हाँ या रसूल अल्लाह हम मोमिन हैं। तो भाई क्या करते हो, क्या क्या अमल करते हो, इस्तेमाल करें, ये भी एक शुक्र है। शुक्र की दो किस्में, शुक्र बिल लिसान है कि जबान के जरिए शुक्र अदा करना, शुक्र बिल आज़ा यानी आज़ा जो हमारे पार्ट्स हैं उसके साथ भी शुक्र अदा करना। आज़ा के साथ शुक्र इस तरह अदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने हमें जो जिस्म के पार्ट्स आज़ा दिए हैं उसको उसी में इस्तेमाल करना कि जिसको जिसके लिए बनाया, और जो जो रबा है जायज़ है अल्लाह की तरफ से इजाज़त है हर उसको उसी में इस्तेमाल करना, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह पाक ने हमें जबान भी दी, आंखें भी दी, कान भी दी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अपने पिछले जुमे के मौजू को लेके मजीद आगे चलता हूँ। कयामत की निशानियों के मुतालिक मैंने कुछ मारजात और कुछ अहादीस आपके सामने पेश की थी कि कयामत की कुछ निशानियाँ हैं,
क्योंकि अभी जैसा कि फ़लस्तीन में जंग का एक सिलसिला है, जंग बनी हुई है, वहाँ पर जंग हो रही है, तो कुछ अपने अपने जो है आरा पेश कर रहे हैं कुछ कि भाई अब जो है ना मामलात क़यामत की तरफ जाने लगे हैं, क़यामत आने वाली है, अब ये होने वाला, अब इसके बाद ये होगा। वो अपने अपने इल्म के मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक चलते जा रहे हैं। मैंने पिछली मरतबा बताया था कि बुजुर्गान दीन और उलमा ने अपने अपने इल्म के मुताबिक बताया है कि क़यामत किस सन में आनी है। हालांकि सारी चीज़ें बयान हो चुकी हैं, दिन भी, तारीख भी, महीना भी, लेकिन साल बयान नहीं हुआ। तो बाज़ उलमा ने अपने इल्म और अंदाजे और कयास के मुताबिक जो है बताया कि भाई इस सन में आ जाएगी। बाज़ों ने कयास लिए थे कि 1300 सन हिजरी में आ जाएगी, तो वो तो गुजर गया। बाज़ों ने कहा 1500 सन हिजरी में आ जाएगी, वो भी आने वाला है, 15वीं सदी चल रही है। और बाज़ों ने अहले सुन्नत ने इब्ने अरबी के कौल के मुताबिक ये कहा कि 1837 से हिजरी के अंदर क़यामत आना शुरू हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। बारगाह बहुत सारी निशानियां क़यामत की रूपज़ीर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं, मेन बड़ी बड़ी निशानियां भी बाकी हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि भाई अभी आने वाली है, कल आ जाएगी। और क़यामत के बारे में जो मैंने पिछली मरतबा थोड़ा सा बताया था, इशारा किया था कि क़यामत ऐसा नहीं होगा कि भाई अब जो ना वो 10 बजे आने वाली है, चलो थोड़ा होशियार हो जाओ। क़यामत अचानक से आई है, काम वाले काम पे जा रहे होंगे, खाना बनाने वाली खाना बना रही होगी, कोई फल काट रहा होगा, कोई सब्जी काट रही होगी, कोई बच्चे को तैयार कर रही होगी, कोई स्कूल जा रहा होगा, कोई जॉब पे जा रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई किसी काम से जा रहा होगा, कोई खेल रहा होगा, कोई किसी काम में लगा होगा, और क़यामत अचानक से आ जाएगी। जैसे जलजला आता है, इसी तरह क़यामत अचानक से आ जाएगी। खैर, क़यामत की काफ़ी निशानियाँ हैं, तो उन निशानियों में मैंने कुछ अहदीस की रोशनी में आपको बताया था कि क़यामत इस निशानियों के बाद आएगी। कुछ निशानियां पाई जा चुकी हैं और कुछ अभी बाकी हैं, तो मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं कि क़यामत की निशानियों में एक क़यामत ये है, क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद ये फरमाया कि दीन पर कायम रहना मुश्किल। ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि ये अहादीस की रोशनी में उलमा ने सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमत उन्होंने अपनी किताब किताबुल अकायद के अंदर ये बात लिखी है। वो अहादीस की रोशनी में बातें बयान की हैं कि दीन पर कायम रहना मुश्किल होगा। आज आप देखें सोशल मीडिया पर इस वक्त इस कदर वो हर फिरके का बंदा और हर मजहब का बंदा खड़ा है, तो एक ला इल्म शख्स जिसके पास इल्म नहीं है, जिसको पता नहीं है कि कौन सा खरा है कौन सा खोटा है, जिसको पता ही कोई नहीं है, अब वो रात को एक बंदे की वीडियो देख के कहता है कि हाँ ये दुरुस्त है, सुबह को देखता है दूसरे की तो कहता है ये दुरुस्त है, शाम को किसी और की देखता है उसको कहता है ये दुरुस्त है। तो वो वाली बात पूरी होने लगी है कि बंदा कुर्बे कयामत के अंदर ऐसा होगा कि शाम को मोमिन है तो सुबह में काफिर, सुबह को काफिर है तो शाम में मोमिन हो जाएगा, फिर काफिर होगा, फिर मोमिन होगा, इस तरह पलटता रहेगा और अब सूरत हाल वैसी बनती जा रही है। वक्त बहुत जल्द गुजरेगा, वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा। अब आप देखें ऐसा लगता है कल की बात है, जो है तो हमने कल ही पढ़ा था, पूरा हफ्ता फौरन से गुजर गया। हम तो बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी ये बात अब कहते हुए नजर आते हैं, अब तो इतनी जल्दी अबू संडे इतनी जल्दी आ गया, इतनी जल्दी जो ना वो हफ्ता आ गया, इतनी जल्दी जो ना जुमा आ गया। छोटे छोटे बच्चे भी ये बात कह रहे होते हैं, वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। अभी वक्त गुजरता आपके सामने ही है, पता नहीं लगता, साल गुजर जाता है, रमजान गुजरे हुए कितना वक्त गुजर गया, अब आने वाला है 4 महीने बाद, अभी 4 महीने तकरीबन बाकी है। तो अभी जब 4 महीने गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत जल्दी गुजर गए, वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। ज़कात देना लोगों पर दुश्वार होगा, मर्द औरतों की इताअत करेंगे, माँ बाप की नाफरमानी ज्यादा होगी, शराब नोशी आम हो जाएगी, ना अहल सरदार बनाए जाएंगे, नहर फरात से सोने का खजाना खुलेगा, जमीन अपने सारे दफीने उगल देगी, अमानत गनीमत समझी जाएगी, मस्जिदों में शोर मचेंगे, फासिक सरदारी करेंगे, फितना अंग्रेजों की इज्जत की जाएगी, गाने बाजे की कसरत होगी। आप देखें गाने बाजे, ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, आप सारे दुनिया में रहते हैं, हम सब एक दूसरे को देख भी रहे हैं, जो हो रहा है वो भी हमें नजर आ रहा है। पहले पिछले बुजुर्गों पर लान तान करेंगे लोग, कोड़े की नोक और जूते के तस्मे बातें करेंगे। ये रिवायत के मुताबिक ये जूते के जो तस्मे हैं वो बातें करेंगे,
इस पर उलमा ने अपने अंदाज में तशरीह दी है। बाज़ों ने कहा कि ये हकीकत पर मबनी है कि जो तस्वीरें होंगी ये आपस में बातें करेंगे, और बाज़ों ने ये कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि इस तरह की चीजें बन जाएंगी कि ये खुद ब खुद बातें करके बताएंगे। और आजकल आपके सामने ये टेक्नोलॉजी किस कदर फास्ट हो चुकी है, अब तो सब कुछ होने वाला, अब तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसके मुताबिक तो बंदा ये कहता है कि अब सब कुछ हो सकता है, सारा कुछ बनाया जा सकता है। और इसके अलावा दज्जाल आएगा और कुर्बे कयामत, कयामत से पहले एक दाबतुल अर्द, बताता हूं ये क्या चीज होती है, ये भी आएगा और याजूज माजूज निकलेंगे। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला को जाहिर होंगे, हजरत ईसा अलैहि सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, और फिर सूरज मगरिब से तुलू होगा, सूरज मगरिब से तुलू होगा और फिर उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। दज्जाल की और इसकी पेशानी पर काफ अलिफ फे रे काफिर ये लिखा होगा। इस दज्जाल के पास अपनी एक जन्नत होगी जो इसने बनाई होगी जो हकीकत में दोजख है, और एक इसने दोजख बनाई होगी जो हकीकत में जन्नत होगी। ये बारिश भी बरसा सकेगा, मुर्दे को जिंदा भी करके दिखाएगा, बीमारों को शिफायाब भी कर देगा, 40 दिन तक ये जमीन पर रहेगा, इसका एक दिन एक साल के बराबर का होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर का होगा, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर का होगा, उसके बाद के सारे दिन मामूल के मुताबिक जितना बड़ा दिन होगा उतना बड़ा दिन होगा, और ये इस 40 दिन के अंदर पूरी जमीन के अंदर ये सैर करेगा, सब शहरों में जाएगा लेकिन हरामैन में दाखिल नहीं हो सकेगा। एक मोमिन को ये पकड़ के कहेगा तू मुझे खुदा मान, वो मोमिन कहेगा नहीं तू दज्जाल है, मैं तुझे खुदा नहीं मान सकता, मैंने जिसका कलमा पढ़ा वही खुदा है, अल्लाह मेरा खुदा है। फिर ये क्या करेगा, उस मोमिन बंदे को चीर देगा दरमियान से, दो टुकड़े कर देगा। फिर ये दज्जाल एक इस टुकड़े और ये दो टुकड़े पड़े हुए दरमियान से चलेगा, चल के जाएगा, फिर हाँ अब मुझे खुदा मान, तो वो कहेगा अब तो मेरी ज्यादा आंखें खुल गई है, मुझे सब पता लग गया है कि तू झूठा है, मैं तुझ पर ईमान भी लेकर आऊंगा, मैंने रब का कलमा पढ़ा उसी पर ईमान लेकर आऊंगा। तो फिर उसको दज्जाल मार देगा। तो ये दज्जाल कुर्बे कयामत में आधा है, इसे ये सब कुछ कर सकेगा। अभी जो सूरत हाल आपके सामने इसी तरह के मामला नजर आ रहे हैं। एक तस्करा होगा दाबतुल अर्द, दाबतुल अर्द ये एक जानवर है, अजीब शक्ल का एक जानवर होगा, कयामत से पहले आएगा। इसके पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की का असा होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो असा इस्तेमाल करते थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। जो इसको मोमिन मिलेगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के जरिए उसकी पेशानी पर एक नूरानी लाइन खींचेगा, और जो इसको काफिर मिलता जाएगा उसकी पेशानी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काला निशान लगाता जाएगा। यह दाबा तो अर्द है। फिर याजूज माजूज भी निकलेंगे, याजूज माजूज कब आएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से ये याजूज माजूज है, ये पहले थे, ये कौम थी जिनके बारे में ये आता है कि इनके हाथ बड़े लंबे लंबे और इनके कान बड़े लंबे लंबे होते थे, कद छोटे छोटे थे, और ये एक फसादी ग्रोह था, ये अपने घरों से निकलते थे मौसम बहार के दिनों में, ये आते और सारा का सारा सब्जा खा जाते थे, जो खेती बाड़ी हुई है सब खा लेते थे, हत्ता कि ये आदमियों को पकड़ के खा जाते थे, हत्ता कि ये सांप बिच्छू शेर जानवर जो इनको मिलता ये खा जाते थे, और जब भी कोई खेती बाड़ी करता फिर आते ये खा जाते थे, सब तबाह कर देते थे। हजरत सिकंदर ज़ुल्कर्नैन आपको लोगों ने शिकायत की कि ये जो ग्रोह है इसके बारे में आप कुछ करें, ये हमारे फसाद फैलाते हैं, लोगों को खा जाते हैं, जानवरों को खा जाते हैं, हमारी खेती बाड़ी को तबाह कर देते हैं, उसको खा जाते हैं। तो हजरत सिकंदर ज़ुल्कर्नैन ने एक लोहे की दीवार खींची और उसके बाद इनका आना बंद हो गया, उनको बंद कर दिया, रोक दिया गया,
और ये भी कुर्ब कयामत के अंदर आएंगे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के बाद जब आप दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पर जाएंगे, उस वक्त ये याजूज माजूज जुगाड़ तोड़ के निकल आएंगे और जमीन में फसाद करेंगे, कत्ल वारदात होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनको भी हलाक फरमाएगा। ये सारा सिलसिला होना है। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला ने अभी आना ही इन्होंने आए नहीं आना है जाहिर होना इन्होंने। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला ने के मुताबिक बहुत सारे लोग अभी दावा भी कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कोई कह रहा है कि मैं इमाम महदी हूँ, कोई मैं कहता मैं महदी हूँ, कोई मैं हूँ, तरह तरह की निशानियां बयान की जाती हैं। उस निशानी के मुताबिक तो कोई भी अपने आप का दावा कर सकता है, ये कोई वैध नहीं है। इमाम महदी रजी अल्लाह तआला ने कोई दावा करके बोले कि भाई इमाम महदी हूँ, वैध नहीं है, करते पहले भी करते रहे, कितने आए जिन्होंने दावे किए और कोई अभी भी मौजूद है जो दावा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जात कितनी बुलंद वाला है, तो ऐसे लोग भी आए कि जिन्होंने अपने आप को खुदा होने का दावा किया, ऐसे लोग भी आए जिन्होंने अपने नबी होने का दावा किया। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इतनी बड़ी बड़ी जात के मुतालिक अपने आप को दावा करके साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला ने उनके मुकाबले में क्या है? इस तरह का दावा करने वाला भी मौजूद है। कईयों ने निशानी बनाई कि भाई वो शर्मीले होंगे, पेशानी चौड़ी होगी और सादे से होंगे। अब इस तरह की निशानी वाले बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो खड़ा होकर दावा कर सकता है। तो इस तरह कोई भी जब ये जाहिर होंगे तब होंगे। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला को फजर की नमाज के वक्त, फजर का नमाज का वक्त होगा, आप दमिश्क में जो मस्जिद है वहां पर आप नमाज पढ़ा रहे होंगे फजर की, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम का नुज़ूल होगा। हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे, हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला हजरत ईसा अलैहि सलाम को कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाए, तो हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमाएंगे नहीं आप ही इमामत करें। तो हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला ने वो ये जाहिर कहां पर होंगे? मक्के में तवाफ के दौरान। उस वक्त के जो औलिया होंगे उनको ये पहचान करवाई जाएगी, उनको बताया जाएगा कि ये इमाम महदी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, और इनको पकड़ के इनको कहा जाए कि आप हमसे बैत लें, तो ये पीछे हटेंगे, बैत नहीं लेंगे। फिर गैब से आवाज आएगी कि उनकी बैत ली जाए, इनको बैत करवाए। तो हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला अन्हु का रुजूर होना है। अभी जो मेन बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन निशानियों में हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम का भी ज़ुहूर होना है। आप नाज़िल होंगे दमिश्क की जामे मस्जिद की जो मशरकी मनारा है बड़ा, उस पर शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकिम और इमाम आदिल और मुजद्दिद मिल्लत होकर नुज़ूल फरमाएंगे। अच्छा, अभी वहां पर जो दमिश्क की जामे मस्जिद है उसका जो मीनारा है, वहां के जो हुक्मरान है उन्होंने उस मनारे पर चढ़ने के लिए रास्ते बंद किए हुए हैं। वो इस वजह से रास्ते बंद किए हुए हैं कि कल को कोई यहां से चढ़ के और फिर उतर के बोले कि मैं ईसा हूं, इसलिए रास्ते बंद कर दिए। तो जो भी आएगा वो हजरत ईसा अलैहि सलाम ऊपर से नाजिल होंगे, वहां पर नुज़ूल फरमाएंगे और वो ही आएंगे, ताकि ये कन्फर्म रहे कि जो आने वाला वो ईसा अलैहि सलाम ही है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम जब नुज़ूल फरमाएंगे तो आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपकी खुशबू फैलेगी, और आप अलैहि सलाम की खुशबू को सुनकर आपकी खुशबू से दज्जाल पिघलना शुरू होगा और वो भागेगा, और आपका जो जमाना होगा बड़ी खैर बरकत वाला होगा और माल की कसरत हो जाएगी, जमीन अपने सारे खजाने निकाल देगी, लोगों को माल से कोई रगबत नहीं रहेगी, और तमाम के तमाम बातिल दीन मिट जाएंगे, सिर्फ दीन इस्लाम बाकी रह जाएगा, और इतना अमन होगा, इतना अमन होगा कि शेर और बकरी आपस में चल रहे होंगे, और इतना अमन होगा कि बच्चे सांपों के साथ खेल रहे होंगे, सांप बच्चों को कुछ भी नहीं कहेंगे। ये भी बाकी है, सारी निशानियां इस तरह की बाकी है। हसद का नामो निशान नहीं होगा, कोई बोगस नहीं करेगा। हजरत ईसा अलैहि सलाम जब आप नुज़ूल फरमाएंगे ना, फजर की जमात खड़ी होगी, जैसे मैंने आपको बताया उस वक्त
खड़ी होने वाली होगी। हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला ने हो आपको दरख्वास्त करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, वो कहेंगे नहीं आप ही पढ़ाएं। तो फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम ये हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत में आपके पीछे मुक्तदी होकर नमाज पढ़ेंगे। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम का अभी नुज़ूल होना बाकी, ये बड़ी बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी अभी बाकी है और एक मेन निशानी इसके बाद क्या होगा, सूरज मगरिब से तुलू होगा। अभी तो मशरिक से तुलू होता है, मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब होता है, तो उस वक्त सूरज मगरिब से निकलेगा और ऐन सर पर पहुंचेगा बिल्कुल ऐन सामने, और उसके बाद फिर वापस मगरिब में गुरूब होगा। जब ये वापस गुरूब होगा उसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, अब कोई भी सलाम लाएगा कोई भी तौबा करेगा उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। ये आखिरी वक्त होगा कि जिस वक्त में तौबा का दरवाजा बंद, अब कोई तौबा करे कोई इस्लाम कबूल करे कोई कुछ भी करे तो उसकी कोई तौबा कबूल नहीं होगी। अब उसने देख लिया कि भाई वो निशानी आखिरी जाहिर होनी थी, वो निशानी जाहिर हो चुकी है, अब उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ अब कयामत आने वाली है, तो वो अब भागेगा इस तरफ, फिर कयामत का कायम होने का जो सिलसिला है वो इसका सिलसिला यूं होगा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। ये जो सूर फूंकेंगे एक आला है उसमें वो आवाज अपनी फूंक मारेंगे, उससे आवाज जो है ना जाहिर होगी, आवाज आएगी, वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता पहले हल्की होगी, हल्की होते 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 तेज आवाज हो जाएगी और वो इतनी तेज होगी कि लोग जो है ना उसको सुनेंगे और बेहोश होकर जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे और फिर सारे के सारे मर जाएंगे, जमीन और आसमान तमाम जहान फना हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा, अच्छा इस सूर फूंकने पर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम खुद भी मर जाएंगे, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर हुक्म फरमाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा, फिर हुक्म फरमाएगा दोबारा सूर फूंके, फिर वो दोबारा सूर फूंकेंगे और उस वक्त सारे के सारे कायनात के सारे लोग ये सारे के सारे जिंदा हो जाएंगे। उसके बाद क्यामत शुरू होगी, क्यामत का सिलसिला शुरू होगा, मुर्दे भी कब्रों से उठाएंगे, नामा अमान उनके हाथों में लेकर वो महशर के अंदर आएंगे जहां पर हिसाब किताब होना होगा, और सूरज बहुत निहायत तेज और एक मील के फासले पर होगा और शिद्दत गर्मी इस कदर होगी कि लोगों के भेजे खोलते होंगे जैसे आंटी खोलती है, और कसरत से पसीना आता होगा, किसी के टखने तक पसीना अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक कोई गर्दन तक कोई मुंह तक हिसले लगाम यहां तक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, और यह हालत होगी और उस वक्त कयामत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हिसाब किताब होगा, दोजख दोजख में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद सारा मामला ये होता जाएगा, और उस वक्त किसी का साया ना होगा, रब का साया होगा, रब के साये में, रब की रहमत में जिसने नेक अमाल किए होंगे वो रब की रहमत में रहेगा, और उसको ये कयामत का वक्त फिर कुल सिरात फिर हौज़े कौसर सारे मामला होते जाएंगे, सब ने कुल सिरात पर से गुजरना है, ये बाल से बारीक तलवार से ज्यादा तेज धार वाला ये कुल है उस पर से गुजरना है, और इस पर से गुजरने वालों की कैफियत का अंदाजा ये होगा, बाज तो इस तेजी से चले जाएंगे जैसे बिजली बटन दबाया फौरन पहुंच गए, इस तरह तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ जानवरों पर सवारी जिन्होंने कुर्बानियां की होंगी वो जानवर आएंगे, वो अपने जानवरों पर बैठकर उन सिरात को पार करेंगे, और कुछ गिरते पड़ते वहां पर पहुंचेंगे, और कुछ जो है ना कट कट के दोजख के अंदर गिरते जाएंगे, दोजख की दोजख में पहुंचेंगे, जन्नत की जन्नत में जा रहे होंगे, और इस कदर मामला होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो दोजख जिसके बारे में हमने अभी तस्किरा नहीं सुना, जन्नत के बारे में सुनते रहते हैं ऐसी जन्नत है ऐसी जन्नत है, उसमें ये सहूलियात है ये इनामात है, दोजख इस कदर खतरनाक है, दोजख के एक वादी ऐसी है कि दोजख के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोजख में 70,000 घाटियां हैं, 70,000 वादियां हैं, हर वादी के अंदर 70,000 घाटियां हैं, और हर घाटी के अंदर
70,000 सांप और बिच्छू है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह इरशाद फरमाया, सहाबा किराम वाले मेज़बान बैठे थे, तशरीफ फरमा हाजिर थे, हाजिर खिदमत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा तुम जुब्बे हुज़्न से पना मांगो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह जुब्बे हुज़्न क्या चीज है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में एक ऐसी घाटी है, ऐसी वादी है कि वो वादी खुद अल्लाह की बारगाह में जहन्नम से रोजाना 70,000 मरतबा पना मांगती है। किस कदर खतरनाक जहन्नम का मरहला होगा। जहन्नम में जाएंगे, आंखें बहकर रुखसारों पर आ जाएंगी, पिघल जाएंगे, सारा कुछ जल रहा होगा, बल्कि ऐसा होगा कि कोयले की तरह जल के काले हो चुके होंगे जहन्नम में जाने के बाद। लेकिन वहां पर बचने की एक ही सूरत होगी, जहन्नम से बचने की एक ही सूरत, जिसने नेक अमाल किए होंगे, अच्छे अमाल किए होंगे, जिसने सदकात दिए होंगे, जिसने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज आलिम दीन बनाया हो, वो कल को सिफारिश करेगा रब की बारगाह में। और जिसके नाबालिग कच्चे बच्चे, छोटे बच्चे जो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो रब की बारगाह में लिखा है गोया के रब की बारगाह में झगड़ा करेंगे कि हम तब तक जन्नत भी नहीं जाएंगे जब तक कि अपने माँ बाप को जन्नत में ना ले जाए। और जब रब की रहमत को देखें तो रब की रहमत इतनी वसी है कि रब्बुल आलमीन अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। कितना मेहरबान है। आज अगर ठंड शुरू हो जाए ना तो हमें अपने यहां बैठे में भी ख्याल आएगा मेरे बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही, बिला तमसीम। और माँ का दिल तो वैसे ही धड़कता रहता है अपने बच्चों के लिए, हर लम्हे हर वक्त बच्चों का ख्याल, कहीं बाजार है तब भी ख्याल, कहीं और जगह पर है तब भी ख्याल। बच्चा 70 साल का हो गया फिर भी माँ का ख्याल रहता है। 70 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, ड्राइविंग की काम करते हुए, जब भी वो बाहर निकलने लगा माँ फिर भी बोलेगी बेटा जरा संभल के जाना। पता है तजर्बा बहुत है लेकिन फिर भी माँ ये बोलती है, माँ ही होती जो ये बोल रही होती है और कुछ नहीं बोलती। जब एक माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करे बिना तमसील तो रब्बुल आलमीन 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो हमें यह उम्मीद रखनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन हमें दौलत में भेजेगा। और हमेशा यही दुआ करें अल्लाह पाक, या अल्लाह तू अपनी रहमत से हमें जो है ना दौलत से महफूज रख और अपनी रहमत से जन्नत में भेज दे। इन्होंने सदकात दिए होंगे, सदकात काम आएंगे, और ये सदकात वही होंगे कल रोजे कयामत जो हमें नेकियों के पलड़े के अंदर रब्बुल आलमीन की तरफ से रखे जाएंगे, लिखे जाएंगे। एक बंदे के लिए लिखा हुआ होगा, इसने ना वो इतना बड़ा टीला टीला जो होता है ना वो रेत का, इतना इसने ना आटा सदका दिया होगा, लिखा होगा उसका सवाल लिखा होगा। अर्ज करेगा यार ना मेरे पास तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक रोटी खा सकूं, मेरे पास तो इतना आटा नहीं था। तो फिर उसको बताया जाएगा कि तूने वो फला वक्त में नियत की थी कि मेरे पास इतना हो गया मैं रंगी डाल कर सदका कर दू, तो तेरी नियत पर यह सवाल लिख दिया गया था। तो आज भी आप जो मस्जिदों के साथ खिदमत करते हैं, मस्जिदों को देते हैं, मस्जिदों में अपना ताबुन करते हैं, जैसे आपकी आयशा सादिक मस्जिद है इसमें आप ताबुन करते हैं, कोई मंथली देता है, कोई हर जुमे को देता है, कोई कुछ देता है, तो ये भी कल सदकात हमें काम आएंगे। जो एक दे रहा उसको वो एक भी काम आएगा, किसी ने एक खजूर भी दी होगी वो भी काम आएगी, बख्शिश का जरिया बनेगी। तो आप ये नियत करेंगे इंशाल्लाह हम मस्जिदों के साथ, मदारिस के साथ, जो आशिकाए रसूल के मदारिस और मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनके साथ ताबुन करें, तो आपका एक दिया हुआ आपको बहुत किफायत करेगा, बहुत फायदा होगा। आप ये नियत करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी इसी मस्जिद आयशा सादिक आपकी मस्जिद है, आप लोग सारे मिलकर हम सब चलाते हैं, तो आप ताबुन करते भी रहते हैं और करते भी रहे, तो किसी की कोई नियत बनती है हर महीने जो ना हम इंशाल्लाह जो ना कुछ ना कुछ हर महीने एक बांध लें, किराया देने वाले किराया देते हैं, हम बिल अदा करते हैं, सारी चीजें अदा कर रहे होते हैं ना, कई होते केबिल लगाए हुए केबिल के भी बिल दे रहे होते हैं, गुनाह पैसों से खरीद रहे, वैसे ही बड़े मिल रहे हैं लेकिन पैसों से गुनाह खरीदे जा रहे हैं, लेकिन जहां पर सवाब मिल रहा है उस तरफ जाते हुए हम सोचते हैं। तो किसी की नियत बनती हो कि हम अपना एक फिक्स कर लेते हैं कि अपनी जो आयशा सादिक मस्जिद है इसमें सारा मामला चलते हैं, मदरसा भी है, मस्जिद भी है, मदारे सामने वाला तक भी रहा है, और यहाँ पर दीगर हमें सहूलियात भी सारी मुयसर है, इसके भी असर जाते हैं सारी चीज, जिस तरह हमारे अखराजात बढ़े इसके भी अखराजात बढ़ गए। तो किसी का कोई जहन बनता है हर महीने हम फिक्स कर लेते हैं 5,000 10,000, किसी का 10,000 का जहन बनता है हर महीने 10,000 मस्जिद को देना शुरू कर दे,
इंशाल्लाह हम इसका बाकायदा तरतीब कोई सिस्टम करेंगे इंशाल्लाह, नाम लिख के कि जो जो देना चाहेगा उनके नाम लिख लेंगे हर महीने। ये 10,000 है ना, 10 करोड़ के बराबर आपको वापस मिलेंगे इंशाल्लाह। रब की रहमत से उम्मीद है, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे गुजारिश।